नमस्कार, मैं सुमन खबर आसनसोल में आपका स्वागत करती हूं। सीधे बैठते हैं खबरों की ओर। आसनसोल बिग बाजार में चावल को लेकर आतंक छा गया। बुधवार की शाम एक व्यक्ति ने 2.5 किलो चावल खरीदा। उसको पकाने के बाद मालूम हुआ कि यह पकती नहीं है। पका हुआ चावल लेकर खरीदार अमित अग्रवाल उल्टे पांव बिग बाजार पहुंचे। मैनेजर ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मीडिया के आते ही वहां के कर्ता धर्ता वहां से गायब हो गए। खुले नहीं चावल, चावल खुली नहीं रहा। विराट कोहली को लाने दे। चावल कम से कम अभी खुल के इतना मेरे से रेट एकदम मार्केट का जो रेट है वो रेट लिया है। नाम का है लोग सस्ता भी देखता है। तेरी है दो है और एकदम की रुन्ना দেখুন প্লাস্টিক এতে কিনে গেছি কালকে আমি হারি অফ ভ্যালিড ফ্রম 7 টু 11 ফেব্রুয়ারি এজ আ প্রফিট অর কা টার্মস এন্ড কন্ডিশন অ্যাপ্লাই কোন ভি মেনে লিয়া হ্যায় ইয়াহ পর তুলসি বুক কা মেন মেন ইয়াহ তুলসি বুক কা রিভিউ কর হটা দিয়া তুলসি বুক কা সে ভি যায় ইয়াহ ইয়াহ 500 রুপে কি দেখা কারণ ফর এ প্রফিট ভাউচার গ্রেট ডিসকাউন্ট মানে এক্সাইটিং অফার্স ইসি কে সাথে লিয়ে এক মৌকা 3000 কি আর জানুয়ারি কে লিয়ে কাস্টমার কে ভর রহা হ্যায় ভাই রাইসে অ্যানিভার্সারি আপনি মেম্বার্স কো 5000 রুপে কি সেভিংস দে রহা হ্যায় मेंबर बनिए या अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवाइए और पाइए 250 या 500 रुपए का मूल्य का गिफ्ट कार्ड और एक प्रॉफिट वाउचर। स्टॉक हटाने का बोलता है कि हम लोग देखते हैं दो दिन बाद आइए। ये तो सर धोखाबाजी पूरा बिल्कुल गलत कर लो। एक्चुअली 7 तारीख को हम लोग हर महीने यहाँ से राशन ले जाते हैं। करीब 1 साल 1.5 साल हो गया। 7 तारीख को मेरी वाइफ और मदर आके लेके गई थी यहाँ से राशन ग्रोसरी भी आइटम 3200 कुछ रुपये का ग्रोसरी आइटम था, जिसमें चावल भी था ये 2 किलो 360 ग्राम। तो कल उन्होंने डिलीवरी दिया है, होम डिलीवरी किया है 2 की 2.5 के आसपास। उसके बाद रात में ये चावल मेरे घर में बनाया गया था, तो मेरे फादर ऑलरेडी 2 बजे रात में 8 बजे खा लिया और मैं करीब ऑफिस से आया 9:30 बजे। मैं खाने के लिए बैठा, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ चावल मैंने सही नहीं है, खाने में टेस्ट नहीं है, स्टिकी टाइप का थोड़ा है। तो मैंने इसको लेके ऐसे बॉल बना लिया, इस तरह बॉल बना के जब उसको मैंने ज़मीन में ऐसे फेंका, ज़मीन में ऐसे इस तरह करके जब मैंने बॉल बना के इसमें उससे फेंका तो ये ऐसे बाउंस हो रहा है, ये पूरा ऐसे बाउंस हो रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे बाउंस। ठीक ठीक आप बोलते रहिए। फिर मैंने देखा कि ये तो प्लास्टिक चावल है, सुना था मैंने, कभी देखा नहीं था, सुना था कि प्लास्टिक चावल आ रहे हैं, तो देखा कि पूरा प्लास्टिक चावल है। फिर उस टाइम में तो मैंने मेरे पास बिल है और सब मेरे क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट किया हुआ है, वो भी मेरे पास SMS है और इनका इनवॉइस भी है मेरे पास। तो मैंने आज सुबह आके इनको कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के टाइम में उन्होंने बोला कि हाँ ये तो गलती है, थोड़ा देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आधे घंटे के बाद बोलते हैं सारा स्टॉक उन्होंने हटा दिया यहाँ से और उसके बाद बोलते हैं कि चावल तो हमारा नहीं है, चावल तो खाली पैकेट में आप डाल के ले आए, आप डाल के ले आए होंगे, ये चावल का पूरा पैकेट है और ये पूरा बारकोड है, ये पूरा का वैसे वैसे मैंने लेके आया था इनके पास, पूरा का पूरा डिनाई करना। बॉल आप कहाँ बनाए? ये बॉल मैंने इनके केबिन में बनाया है, एक वो सेल्स पर्सन थे, इंचार्ज हैं यहाँ के, उनके केबिन में बैठ के उनके सामने ये बॉल बनाया है। ये 2 बॉल मैंने घर में बनाया था और ये बॉल उनके सामने बनाया है। अभी अब क्या करेंगे? अभी मेरे को कंप्लेन करना है, मेरे फादर खाए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा आज सुबह से उनको प्रॉब्लम भी हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा पेट फूल गया। थाना में करेंगे, फूड ऑफिस जो फूड इंस्पेक्टर है वहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये तो सब ये 1 महीना खा के आदमी मर जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा अमित अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? मैं यही चित्रा में रहता हूँ, डॉल्फिन अपार्टमेंट में, दादा नगर में। मैं सालों से खरीद रहा हूँ, मैंने साल भर से खरीद रहा हूँ, मैंने सब चीज़ की, क्या क्या चीज़ इनका और डुप्लीकेट है पता नहीं, ये तो पकड़ में आ गया मेरे पास। एकदम मेरे को एकदम 100% ये बेच रहे हैं, ये 100% चावल है, ये बिग बाजार टोटली डुप्लीकेट आइटम बेच रहे हैं। मैं अपील करूंगा किसी से कुछ ये खरीदो मत, यहाँ से बिग बाजार से कुछ भी नहीं खरीदने। सस्ता नाम का क्या है? सस्ता खाली नाम का, मेरे से रेट एकदम मार्केट का जो रेट है वो रेट लिया है। ক্ষতিকারক অবশ্যই ক্ষতিকারক কি করবেন
পরে তো আর নেওয়া যায় না জিনিসটা। একটা বিগ বাজারের মতো এত বড় মল, সত্যি ওই ব্র্যান্ডটার জন্যই আসা কিন্তু, নাহলে আমরা রিলায়েন্সেও যেতে পারি, রিলায়েন্সও কাছে। বিগ বাজার একটা বড় ব্র্যান্ড, তার জন্যই আমরা এখানে আসি, এসে জিনিসটা কিনি। বাট কিনে যদি এইরকম অবস্থা হয় তাহলে তো बने रहिए खबरों के साथ। और डीएनएम कोचिंग सेंटर मकरबी बंगाल के स्टूडेंट्स को अब मायूस होने की जरूरत नहीं। झारखंड मुक्ति के प्रदेश और दिल्ली के मंजूर शुदा कॉलेजेस से अब वो रेगुलर या डिस्टेंस मैट्रिक के साथ साथ मैट्रिक, एचएस, बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, बीसीए और एमसीए के इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के किसी भी कॉलेज से बीटेक, बीएड, एमएड का कोर्स और डीएड का कोर्स कमल कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर बीएनएम कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन पाड़ा ऑफिस वन बर्नपुर वर्किंग ऑफिस शास्त्री नगर मेन रोड नियर हिंदी हाई स्कूल बर्नपुर। छोटे बच्चे खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं जानते। पढ़ते पढ़ते बच्चे जब चाहे खेल लें और खेलते खेलते जब चाहे ये पढ़ लें। ऐसा बंदोबस्त तो बस एस एन प्ले स्कूल में ही मौजूद है। बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए इंग्लिश मीडियम एस एन प्ले स्कूल, ऑडियो वीडियो क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। Student and teacher of our school are very smart. Me for head of class UKG. We respect our principal. Thank you. आर्ट एंड क्राफ्ट, स्किल डेवलपमेंट और प्ले ग्राउंड की फैसिलिटी के साथ प्ले ग्रुप से क्लास 5 तक दाखिला जारी है। यहां बच्चों की आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्टिंग की सहूलत भी मौजूद है। एस एन प्ले स्कूल, सोस्टी नगर, इस्माइल साउथ। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। बीजेपी पार्टी ऑफिस पर कब्जे को लेकर तृणमूल कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना है कि तृणमूल ने बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। আপনারা শুনেছেন সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে কব্জা করার রায় শুরু করেছে। সমস্ত জায়গায় পার্টি অফিস লুটপাট শুরু হয়েছে, পার্টি অফিস ঘেরাও, পার্টি অফিস ছিনিয়ে নেওয়া, কর্মীদেরকে ভয় দেখানো, মিথ্যা কেসে ফাঁসানো। ঠিক সেইভাবেই গত পরশুদিনে আমাদের চিনাকুড়িতে একটা বিজেপি পার্টি অফিস ছিল, সেই পার্টি অফিস পার্টির কার্যকর্তারা চাঁদা তুলে পরে 10 টাকা 50 টাকা তুলে তুলে এলাকায় তারা পার্টি অফিস করেছিল, বাবুল্লা সেন ওপেনিং করেছিল। সেই পার্টি অফিসে গত পরশুদিনে তৃণমূলের সন্ত্রাস বাহিনী, গুন্ডা বাহিনী, হারমাত বাহিনীর গিয়ে পড়ে আমাদের ফ্ল্যাগ নামিয়ে পড়ে সেখানে আমাদের আমাদের যে পদ্মফুলের চিহ্ন আছে মুছে চেষ্টা করে, আমাদের ফ্ল্যাগ নামিয়ে পড়ে তাদের ফ্ল্যাগ তুলে দেয়। আমাদের কাগজতারা খবর পায় বা ওখানে পৌঁছায়, আমাদের কাগজতায় মারধর করে, লাঠি বল্লব দিয়ে রড দিয়ে মারধর করে, তার প্রতিবাদে আমরা আজকে এখানে তালা ভেঙে ঢুকানো ঢুকে যায়। এর প্রতিবাদে আমরা পুলিশের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে প্রোগ্রাম করেছে, পুরো পুলিশ আগে তৃণমূল দাসত পরিণত করেছে। পুলিশে বলছে আপনারা মারুন, পুলিশ মারধর করা হচ্ছে, তো পুরো পুলিশের সামনে পুলিশের মদতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তার প্রতিবাদে আমরা পুলিশের ভরসা চলে গেছে, তাই আমরা কমিশনার এসেছিলাম। যদিও কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আমাদের অফিস দখল করেছে, আমাদের ফ্ল্যাগ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের কাগজপত্র ওখানে ওখানে ঢুকতে গেছে, আমাদের মারধর করেছে, আমরা হামলা করলাম। কোনো শুনেছেন বিজেপি কোনো হামলা কোথায় করেছে? এরপর কোনো শুনেছে কোথাও? ইতিহাস নয় বিজেপি, একদম পুরো ভিত্তিহীন। পরিকল্পিতভাবে এটা হামলা করা হয়েছে, প্রকৃতভাবে এটা লাগানো হয়েছে। জিন্দাবাদ, 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 জিন্
शिल्पांचल के विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना न भूलिए खबर आसनसोल। कल ठीक इसी समय इस चैनल पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।